वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर लंदन का दौरा मनसूख कर दिया है। वजीर आजम ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के प्रतिनिधि तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर दौरा लंदन मनसूख कर दिया है। अजीत अहमद ने लंदन जाना था, जहां उनकी पोती और हमजा शहबाज की साहबजादी जो कि कमसिन है वो बहुत बीमार थी, लेकिन अहमद ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर दौरा मनसूख कर दिया है और वो कतर से वापस रवाना होंगे हो गए हैं। अब वो जैसे ही वापस पहुंच रहे हैं, उन्होंने हदायत की है कि सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग के मुताबिक इजलास मुनक्कद किया जाए और NDMA ने दीगर हुकाम को कहा है कि वो अब तक जो रेस्क्यू रिलीफ की सूरत हाल है इस बारे में जो भी इकदाम किए गए हैं, जो भी कार्रवाई है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाए। तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर लंदन का दौरा मनसूख कर दिया है। वजीर आजम ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के प्रतिनिधि तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर दौरा लंदन मनसूख कर दिया है। अजीत अहमद ने लंदन जाना था, जहां उनकी पोती और हमजा शहबाज की साहबजादी जो कि कमसिन है वो बहुत बीमार थी, लेकिन अहमद ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर दौरा मनसूख कर दिया है और वो कतर से वापस रवाना होंगे हो गए हैं। अब वो जैसे ही वापस पहुंच रहे हैं, उन्होंने हदायत की है कि सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों के हवाले से ब्रीफिंग के मुताबिक इजलास मुनक्कद किया जाए और NDMA ने दीगर हुकाम को कहा है कि वो अब तक जो रेस्क्यू रिलीफ की सूरत हाल है इस बारे में जो भी इकदाम किए गए हैं, जो भी कार्रवाई है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाए। तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर लंदन का दौरा मनसूख कर दिया है। वजीर आजम ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के प्रतिनिधि तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर दौरा लंदन मनसूख कर दिया है। अजीत अहमद ने लंदन जाना था, जहां उनकी पोती और हमजा शहबाज की साहबजादी जो कि कमसिन है वो बहुत बीमार थी, लेकिन अहमद ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर दौरा मनसूख कर दिया है और वो कतर से वापस रवाना होंगे हो गए हैं। अब वो जैसे ही वापस पहुंच रहे हैं, उन्होंने हदायत की है कि सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाईयों के हवाले से ब्रीफिंग के मुताबिक इजलास मुनक्कद किया जाए और NDMA ने दीगर हुकाम को कहा है कि वो अब तक जो रेस्क्यू रिलीफ की सूरत हाल है इस बारे में जो भी इकदाम किए गए हैं, जो भी कार्रवाई है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाए। तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।